नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, अमित शाह ने महाराष्ट्र में कुछ इस तरीके की भाषण दिए हैं जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति जो है पूरी तरीके से गर्मा गई है। महाराष्ट्र में अमित शाह के भाषण को लेकर अब सियासी पारा इतना बढ़ गया है कि तमाम नेता जो है अब उस पर रिएक्शन देने लगे हैं। अमित शाह ने बीजेपी अधिवेशन में उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर तीखा हमला बोला था। अब उद्धव गुट के जो शिवसेना यूपीटी पक्ष है उनके सांसद जो है संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध दिया है। संजय राउत ने कहा है कि अमित शाह ये देश के गृह मंत्री हैं, ये कहने में हमें शर्म आती है। अमित शाह ने जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था वो अशोक चौहान आज अमित शाह के बगल में बैठे दिखाई देते हैं। इन्हीं की बीजेपी सरकार ने शरद पवार को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा और खुद मोदी जी ने उन्हें तारीफ की। मुझे लगता है कि मोदी और शाह में आपस में कोई लड़ाई हुई है, इसलिए मतभेद दिखाई दे रहा है। संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे पर भी जमकर निशाना साधा है। शिवसेना और उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है नेता है यूपीटी जो नेता है, संजय राउत ने रविवार को कहा कि शिवसेना नेता आनंद दिघे के जीवन पर आधारित फिल्म धनमवीर का दूसरा भाग राजनीति से प्रेरित है और निर्माता दिवंगत नेता की स्मृति का अपमान कर रहे हैं। दिघे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का राजनीतिक गुरु माना जाता है। शिंदे द्वारा शिवसेना में उद्धव ठाकरे के खिलाफ 2022 में विद्रोह का नेतृत्व किए जाने और ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को गिराकर मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिनों पहले ही इस फिल्म का पहला भाग रिलीज हुआ था। अब धर्मवीर 2 का ट्रेलर शनिवार को जारी किया गया है और संजय राउत ने संवाददाताओं से कहा कि विश्वासघाती लोग अपने राजनीतिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने और अपने विश्वासघात को सही साबित करने के लिए दिघे के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। शिवसेना यूपीटी नेता ने कहा, संजय राउत ने कहा कि फिल्म में दिघे के पात्र के संवादों के माध्यम से झूठ फैलाया जा रहा है, जबकि यह पार्टी के संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे के प्रति वफादार थे। अब ये तमाम बातें जो है वो संजय राउत कहते दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ अमित शाह पर उन्होंने निशाना साधा है बल्कि एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि धर्मवीर 2 के जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है वहां पर कई सारे जो नेता हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, आशीष सलार हो या फिर तमाम फिल्मी स्टार हो, कई सारे फिल्मी स्टार भी वहां मौजूद दिखाई दिए। अभिनेता जितेंद्र वहां नजर आए, गोविंदा नजर आए, सलमान खान जो बतौर गेस्ट वहां पहुंचे थे, सलमान खान भी जो है इस इवेंट पर मौजूद रहे। तमाम मीडिया जो है उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए वहां पहुंची थी। ट्रेलर लॉन्च को धूमधाम से ट्रेलर लॉन्च किया गया। अब इसके बाद जो है संजय राउत का इस पे बयान आया है, क्या कुछ कहा उन्होंने वो मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ उन्होंने अमित शाह पे जो हमला बोला है उसको लेके भी मैंने बताया कि किस तरीके से अमित शाह ने जो बयान दिया था अधिवेशन में, बीजेपी अधिवेशन में, उसको लेके संजय राउत जो है वो उन्होंने जो हमला बोला है अमित शाह पर। अब देखिए कि ये जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई, ये शुरू हो चुकी है। और इससे पहले हमने आपको बताया अपने पहले वीडियो में भी कि किस तरीके से जब शरद पवार पे भी हमला बोला था और भ्रष्टाचार का सरगना तक बता दिया था अमित शाह ने, उसको लेके सुप्रिया सुले ने जो है वो अमित शाह पर हमला बोला है और कुछ इसी तरीके से मिलती जुलती बातें उन्होंने भी कही है कि जो अमित शाह है खुद बीजेपी के ही नेता ने उन्हें पद्म विभूषण जो है सरकार ने दिया है और अब उन्हें ही जो है भ्रष्टाचार का सरगना कह रहे हैं, उन्हें हंसी भी आ रही है इस बात पर। इस तरह से बातें उन्होंने कही है सुप्रिया सुले ने। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो जिन लोगों पे बीजेपी ने ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था अब वो उन्हीं के अधिवेशन में साथ में बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो यही बातें जो संजय राउत ने जिस तरीके से हमला बोला है, कुछ इसी तरीके से सुप्रिया सुले ने भी जो है वो अमित शाह पर हमला बोला है। और जो उन्होंने जो भी भाषण उन्होंने दिया है, जवाबी हमला जो भी उन्होंने किया, उसके जवाब में जो है वो सुप्रिया सुले और संजय राउत ने जवाबी हमला बोला है। तो अब देखिए ये लड़ाई जो है राजनीतिक ये शुरू हो चुकी है और सभी को अंदाजा था कि अमित शाह जब महाराष्ट्र आएंगे, क्योंकि बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं, और ऐसे में अंदाजा सभी को था कि विपक्षी दलों पर अमित शाह जरूर जो है वो कुछ ना कुछ टिप्पणी करेंगे, उस पर भाषण में बोलेंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। और वो जो है भाषण दिया उन्होंने और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। अब तमाम नेता सामने से आ रहे हैं और जुबानी जंग जो है वो बढ़ी हुई है, जो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी
बड़ी राजनीतिक खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।